पूरे देश के अंदर मच चुका है त्राही बाम। मोदी का हो रहा है गुहार, लेकिन मोदी अभी तक वहां नहीं पहुंच चुके हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जोशीमठ के बारे में। जहां तक मैं आपको बता दूं तो वहां का पूरा दीवाल नीचे धंसता जा रहा है। दीवाल ही नहीं, पूरे घर, खेत, सारे जगह बड़ी बड़ी दरारें फट रही है, जिसमें लोग पूरी आसानी से भी अंदर जा सकते हैं। वहाँ का रहना तहना सब तहस नहस होता दिख रहा है, जिस तरीके से जोशीमठ का हालत बुरी तरीके से बदल गया है। पूरे जोशीमठ में त्राहीमाम लोगों इधर से उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ वहाँ गुहार किया जा रहा है तो मोदी का, कि मोदी हम सभी को बचाए, मोदी ही निकाल सकते हैं हमसे। लेकिन मोदी का इस पर कोई भी अभी जवाब नहीं दिया गया है। कुछ जवाब मोदी जी बैठक भी किए तो जोशीमठ के बारे में थोड़ा सा बैठक किए, उस पर चर्चा किए कि कैसे क्या करना है, लेकिन अभी भी लोगों का गुहार मोदी की तरफ से जारी है। बता दें कि जिस तरीके से जोशीमठ का आज ये हाल हुआ है, ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से पंडितों ने पहले ही इस पर बातें बताई थी कि ये कभी भी हो सकता है, लेकिन तभी भी वहाँ बसना शुरू रहा, वहाँ लोग बढ़ते गए और आज ये हाल हो गया है कि घर में पानी तक घुस जा रहा है। बर्फ के पानी आसानी से लोगों के घर में घुस रहा है, दीवार पूरा फटते जा रहा है और ज़मीन धंसती जा रही है। तो देश में ज़्यादा से ज़्यादा त्राहीमाम देखने को मिल रहा है अभी जोशीमठ में, जो पूरी तरीके से जनता बौखलाई हुई है। जोशीमठ छोड़कर दूसरे जगह भी लोग भाग रहे हैं। तो देश में सिर्फ यही चल रहा है अभी। जोशीमठ में जितने लोग हैं वो मोदी को गुहार लगा रहे हैं, मोदी भी इस पे कुछ बात ज़रूर करेंगे। तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं।